हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कल का वर्ल्ड कप असली मुकाबला चल होगा। तो अब से कल से मुकाबला चल होगा, तो कल के मुकाबले बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देख लो गाइस, कल खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। फर्स्ट इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप होगा। जो पिछले हुए थे वो सिर्फ क्वालिफायर खेलते हुए थे वर्ल्ड कप में। तो अब से कल से चालू होगा असली वर्ल्ड कप। तो इस मैच में देख लो, इस मैच में आपको फ्री एंट्री मिल रहा है। अब तो यहाँ पे 20 टीम ला सकते हो। 20 टीम में आप 80 रैंक अंदर आते हो तो 5 रुपये मिल जाएगा आपको, और उसी विनिंग अमाउंट से यहाँ पे देख लो 9 रुपये का एक बोनस ऐड कर चुका है नए कॉन्टेस्ट। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट आती है और एक 59 रुपीज़ का भी और एक लीग है रेड लीग, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया ऐप है गाइस, जरूर एक बार ट्राई कर लो। अब देख लेते दोनों टीम प्लेयर की स्टैट कैसा है। पहले थोड़ा प्लेयर स्टैट देख लेते दोनों टीम के। तो अगर यहाँ पे प्लेयर के पहले रिसेंट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस के साथ उनका, तो उसमें बात है टिम डेविड। इनका रिकॉर्ड देख लो, पिछले 2 मैच खेले थे इंडिया और इंग्लैंड खिलाफ, पर उससे पहले 0, उससे पहले 42 और फिर से 0 और फिर से 42। तो प्लेयर बहुत बड़ा है, अभी परफॉर्म कर गया था, एक मैच परफॉर्म कर गया था और एक मैच फ्लॉप हो जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे जॉर्ज इंग्लिश, इनका रिकॉर्ड देख लो, पिछले इन्होंने 2 मैच खेले थे, पर उससे पहले उन्होंने 24 बनाया था, उससे पहले 17 रन, उससे पहले 10 रन, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे केन रिचर्डसन, पिछले मैच खेले थे इंडिया के खिलाफ और उसमें 4 विकेट लेके आए थे, और उससे पहले 1 विकेट और उससे पहले 1 विकेट लेके आए थे। ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है। ऑस्टन अगर पिछले मैच 2 मैच डक पर आउट हुए थे, पर पिछले 4 मैच में हर मैच विकेट लेके आ रहे। ग्लेन मैक्सवेल, उनका अभी तो रिकॉर्ड उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, पिछले मैच 23 रन, उससे पहले 8 रन, उससे पहले 1 रन बना के आ रहे, और पिछले मैच 1 विकेट ले गया था और उससे पहले 5-10 मैच में विकेट नहीं ले गए थे। एडन जंपा, पिछले मैच विकेट नहीं लेते, पर उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 मैच 0, उससे पहले 3 विकेट लेके आए थे। एरन फिंच कैप्टन, पिछले मैच 76 रन बनाए थे, उससे पहले 0, उससे पहले 12, उससे पहले 15 रन बनाए गए थे। तो इनका भी ठीक ठाक फॉर्म से फॉर्म में आ रहे। अब तो कैमरन गेन इस मैच में नहीं खेलेंगे। मैथ्यू वर्ड का देख लो, पिछले मैच खेला था, उससे पहले 21 रन, उससे पहले 16 रन, उससे पहले 39 रन की पारी खेल रहे थे। एक फिंचर है, बहुत बड़ा फिंच करते हैं मैच। जॉस हेजलवुड, पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, और उससे पहले 3 विकेट ले गया था, और उससे पहले 1 विकेट। और मिचेल मार्श कर लेते हैं यहाँ पे, पिछले मैच 35 रन, उससे पहले 0 रन, उससे पहले 36 रन बनाए के आ रही थे। और बॉलिंग में लास्ट 4 मैच में अभी तक बॉलिंग नहीं किया यहाँ पे। स्टीव स्मिथ, पिछले मैच 11, उससे पहले 7 रन, उससे पहले 17 रन बनाए के आ रहे। तो ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है। मिशेल स्टार्क का देख लो, पिछले मैच विकेट लेके आया था, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 4 विकेट, उससे पहले 2 विकेट लेके आ रहे। प्लेयर बहुत बड़ा है मिशेल स्टार्क, हर मैच विकेट लेके आए थे। मार्कस पैट कमिंस, पिछले मैच 0, उससे पहले 1 विकेट, और उससे पहले 2 विकेट ले गए थे। डेविड वार्नर, पिछले 4 मैच बहुत बड़ा परफॉर्मेंस कर रहे, पिछले मैच 73, उससे पहले 75, और उससे पहले 14 रन बनाए गए थे। अब देख लेते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर कैसा है। मार्क चैंपियन, पिछले मैच 4 रन बनाया था, उससे पहले 25 रन, उससे पहले 2 रन बना के आउट होता। लॉकी फर्गुसन का देख लो यहाँ पर रिकॉर्ड, पिछले मैच विकेट नहीं लेता, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट ले गया था। टिम सोथी, पिछले मैच खेला नहीं था, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। और सब मैच विकेट लेके आ रहे। डेवन कॉर्नर, पिछले मैच 14 रन, उससे पहले 64 रन, उससे पहले 49, उससे पहले 70 रन बनाए गए रहे। ये भी प्लेयर बहुत बड़े खेलते हैं डेवन कॉर्नर। मार्टिन गप्टिल, पिछले मैच 26, उससे पहले 34 रन बनाए गए थे। माइकल ब्रैसवेल, पिछले मैच 11 रन, उससे पहले 1 रन, और बॉलिंग में पिछले मैच विकेट नहीं लेता, उससे पहले 4 मैच 2-2 विकेट लेके आ रहे थे। तो ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है। जिबिन ईशम, पिछले मैच 17 रन, उससे पहले 7 रन, और बॉलिंग नहीं करे लास्ट 4 मैच में। केन विलियमसन, पिछले मैच 3 रन, उससे पहले 59 रन, उससे पहले 9 रन, उससे पहले 30 रन बनाए के आ रहे। मिस स्टार्टर में बहुत बड़ा प्लेयर है, पिछले 2 मैच बैटिंग नहीं थी, पर उससे पहले विकेट लेके आए थे 1 मैच, और पिछले मैच विकेट नहीं लेके आए थे। ट्रेंट बोल्ट, पिछले मैच 2 मैच 0 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले हर मैच विकेट लेके आ रहे थे। फिन एलन, पिछले मैच 6 रन, उससे पहले 12, 32, 62, टिक टॉक परफॉर्मेंस कर रहे हर मैच पिछले मैच को छोड़कर। ग्लेन फिलिप्स, पिछले मैच 20 रन, उससे पहले 29, उससे पहले 69 रन बनाए के आ रहे थे, और कभी कभार बॉलिंग करते भी और वहाँ से विकेट ले गए थे। इशोदी, पिछले 2 मैच विकेट ले गया था 1 विकेट, और उससे पहले 0 विकेट। एडम मिल, पिछले मैच विकेट नहीं लिया था, उससे पहले 3 विकेट ले गया था। और लास्ट में ड्रे मिचेल, पिछले मैच 16 रन, उससे पहले 10, उससे पहले 26 रन बना के आए थे। अब देख लेते प्लेयर इस स्टेडियम में कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे वो देख लेते। तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे खेले, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो उसमें एरन फिंच, अब सिर्फ T20 देख ले, उसमें सिर्फ T20 देखेंगे, उसमें 5 मैच में 98 रन बना के आ रहे फिंच ने। और डेविड वार्नर ने 3 मैच 75 रन, और ग्लेन मैक्सवेल ने 7 मैच 154 रन बना के आ रहे, और 54 रन का हाईएस्ट स्कोर है। जिमी निशम, उन्होंने खेला है ODI खेला यहाँ पे, T20 खेला नहीं पे।
और यहाँ पे आया मार्कस स्टोनिस भी खेला है, 5 मैच 90 रन बनाए गए रहे। मार्टिन गप्टिल एक ही मैच खेला उसमें 5 रन बनाए गए रहे। मैथ्यू वेड 4 मैच खेले उसमें 155 रन बनाए गए रहे। मिचेल मस BBL में खेला 6 मैच में 100 रन बनाए गए रहे। और यहाँ पे स्मिथ स्मिथ ने 6 मैच में 93 रन। और बॉलिंग में देख लीजिए बॉलिंग में कैसा है, तो जंपा ने T20 में 7 मैच 8 विकेट लेके आ रहा है। अस्टन अगर 2 मैच 2 विकेट, मैक्सवेल 7 मैच 2 विकेट। तो मैक्सवेल उतना अच्छा बैटिंग से रिकॉर्ड है, बॉलिंग में उतना अच्छा रिकॉर्ड है। यहाँ पे जॉस हेजलवुड 2 मैच खेले उसमें 7 विकेट लेके आ रहे, तो प्लेयर बहुत बड़ा है उनका, दो दो हर मैच 3-3 विकेट लेके आ रहे, तो जरूर उनको पिक कर सकते हो। केन रिचर्डसन 3 मैच 3 विकेट और मार्कस स्टोनिस 5 मैच 1 विकेट। मिस सैडनर विकेट नहीं लिया यहाँ पे T20 में, पर ओडिया में 2 विकेट लिया। मिशेल स्टार्क 3 मैच 3 विकेट, पैट कमिंस 3 मैच 2 विकेट लेकर है पैट कमिंस, और टीम सोची ने यहाँ पे 1 मैच 1 विकेट लेकर है, और ट्रेंट बोल ने 2 मैच 1 विकेट। आप देख लेते प्लेयर के फॉर्म, थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मेन प्लेयर कौन चाहिए हमको उनको ही फॉर्म देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हमको चाहिए ग्लेन मैक्सवेल, पिछले मैच 23 रन 1 विकेट, उससे पहले 8 रन, उससे पहले 1 रन, उससे पहले 0 रन बनाए गए थे। एडम जंपा देख लो पिछले मैच विकेट नहीं लेता पर उससे पहले विकेट लेके आए थे। एडम फिंच पिछले मैच 76, उससे पहले 0, उससे पहले 12 रन बनाए गए थे। जॉस हेजलवुड पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 3 विकेट लेके आया था। स्टीव स्मिथ पिछले मैच 11 7 17 रन, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। डेविड वार्नर पिछले मैच 73, उससे पहले 75, उससे पहले 14 रन बनाए गए रहे। पैट कमिंस पिछले मैच विकेट नहीं लेता पर उससे पहले 7 मैच विकेट लिया था। और मिशेल स्टार्क पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 4 विकेट लेके आया था। अब देख लेते हैं प्लेयर वर्सेस टीम कैसा है। तो पहले बैटिंग में यहाँ पे केन विलियमसन 13 मैच खेला है T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 मैच, और उसमें 280 रन बनाए गए रहे, 85 इनका हाईएस्ट स्कोर है। और यहाँ पे बैट्समैन आते हैं मार्टिन गप्टिल 13 मैच, ये भी 13 मैच खेले उसमें 513 रन बनाए गए रहे, 105 इनका हाईएस्ट स्कोर है। और बैट्समैन यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल 13 मैच 260 रन बनाया गया था T20 में। मार्कस स्टोनिस 10 मैच 172 रन, 78 रन का हाईएस्ट स्कोर है। यहाँ पे डेविड वार्नर का देख लो यहाँ पे 8 मैच 238 रन बनाया गया रहे। और यहाँ पे फिंच मुझे खा पे नहीं, यहाँ पे फिंच 10 मैच 327 रन बनाए गए रहे। वही यहाँ पे बॉलिंग में एडम बेल ने 3 विकेट ले गए T20 में, और यहाँ पे ईश चौधरी ने 10 मैच 16 विकेट ले गए रहे, तो T20 बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ईश चौधरी और ऑस्ट्रेलिया का। और यहाँ पे केन विलियमसन ने विकेट नहीं लिया। यहाँ पे लॉकी फर्गुसन ने 8 मैच 10 विकेट लेके आ रहा है। टिम सौथी 12 मैच 9 विकेट लेके आ रहा है। ट्रेंट बोल 11 मैच 14 विकेट्स। जंपा 8 मैच 8 विकेट्स। अस्टन अगर 10 मैच 14 विकेट लेके आ रहे। और ग्लेन मैक्सवेल ने 13 मैच 5 विकेट। और यहाँ पे मिशेल मास ने ओडिया में विकेट लिया था पर T20 में 1 विकेट लेके आया था। मिशेल स्टार्क 4 मैच 3 विकेट, और पैट कमिंस ने 3 मैच 2 विकेट लेकर आया। ये हमारा प्लेयर वर्सेस टीम, आप प्लेयर बैटल देख रहे थे तो कौन किसे तंग करा है। आयरन फिंच को यहाँ पे सब लोग तंग कर चुके हैं, ट्रेंट बोल ईस सऊदी, मिल सैंडल सऊदी, केन एलिसन भी एक बार आउट कर चुका है, लॉकी फर्गुसन सैंडल। तो मुझे लग रहा है इस मैच में फिंच नहीं चलेगा, तो मैं इस फिंच को छोड़ दूंगा इस मैच में। डेविड वार्नर को भी सब लोग तंग कर चुके हैं यहाँ पे, फर्गुसन सऊदी बोल्ट सऊदी सैंडनर सऊदी सब लोग आउट कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा टॉप ऑर्डर छोड़ना पड़ेगा इस मैच में। और ग्लेन मैक्सवेल को भी यहाँ पे सब लोग आउट कर चुके हैं, उसमें सऊदी ट्रेंट बोल्ट सऊदी जिमी एशम लॉकी फर्गुसन और जॉन सिंगल्स को सिर्फ दो लोग आउट कर चुके हैं, एडम मिल और ट्रेंट बोल्ट। और यहाँ पे मार्कस स्टोनिस को भी सब लोग तंग कर चुके हैं, मैथ्यू वुड को भी तंग कर चुके हैं, मिशेल मार्श को भी तंग कर चुके हैं, और पैट कमिंस को भी और स्मिथ स्मिथ को भी। मुझे लग रहा है थोड़ा न्यूजीलैंड टीम भारी रहेगा। और यहाँ पे ड्रेन मिशेल को जेस हेजलवुड 3 बार आउट कर चुका है, टेवन कॉर्नर को भी तंग कर चुका है, जिमी निशन को भी सब लोग तंग कर चुके हैं, और केन विलियमसन को भी सब लोग तंग कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है एक बॉलिंग पिच होगा। और मार्टिन गप्टिल को भी जंपा मिशेल स्टार्क सब लोग आउट कर चुके हैं, मिशेल सैंडल को भी आउट कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा मैच हो सकता है। तो हेड टू हेड में क्या होता है देख लेते हैं। तो पिछले 3 मैच में ऑस्ट्रेलिया जीत कर आ रही है पिछले 3 मैच में। ये ओडिया का मैच है, ओडिया का रिकॉर्ड है, हम देखेंगे सिर्फ T20 में। तो T20 में ऑस्ट्रेलिया का पारी बंगड़ा है, पारी भारी है। तो एक मैच में देख लेते हैं कैसा होता रिकॉर्ड। उसमें न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए 172 रन बनाए थे, उसमें मार्टिन गप्टिल 28 रन, 11 मिशेल डेम मिशेल 85, केन विलियमसन ग्रीन फिलिप्स 18 रन, जिमी एशम 13 रन और शेफर्ड 8 रन बनाया था। बॉलिंग में हेजलवुड 3 विकेट और चंपा ने 1 विकेट ले गया था, और अश्विन ने रन चेस कर ली थी आराम से। उसमें डेविड वार्नर 53 रन, फिंच 5 रन, मिशेल मार्च 77 रन बनाया था, और ग्लेन मैक्सवेल ने 28 रन बनाया था। और बॉलिंग में सिर्फ
ट्रेंट बोल ने 2 विकेट ले गए थे। तो अगर सब देख ले, मैच स्टैट, प्लेयर के परफॉर्मेंस सब देख ले, तो चलो आप टीम देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी टीम बना चुका, तो मैं उसके आपके सामने थोड़ा एडिट करके दिखा दूंगा टीम कैसी है मेरी। तो वैसे एक मेरी स्मॉल टीम है, तो इस टाइम में पहले मैं टीम बैट्स बोल लिया हूँ। पहले यहाँ पर मैं केन विलियमसन को पिक करना चाहूँगा, क्योंकि केन विलियमसन का रिकॉर्ड बहुत बड़ा है पिछले 2-3 मैच में, और उनका फॉर्म भी पिछले मैच से सिर्फ 3 रन बना के आउट होते हुए वार्म अप मैच में। पर उससे पहले मैं पाकिस्तान के खिलाफ 59 रन बनाए थे एक मैच में, एक मैच में फ्लॉप हुए थे 9 रन सिर्फ, और एक मैच में उन्होंने 30 रन की पारी खेल गए थे। तो लास्ट 2-3 मैच में अच्छे परफॉर्मेंस लेके आ रहे, इसलिए मैं उनको पिक कर रहा हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट मैं मिचेल मार्श को पिक कर रहा हूँ, क्योंकि मिचेल मार्श थोड़ा हेड टू हेड में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, और रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है। पिछले मैच इंडिया के खिलाफ 34 रन की पारी खेल गए थे, उससे पहले 44 रन, और उससे पहले 36 रन, और एक अभी को और बॉलिंग भी करते तो वहाँ से भी विकेट लेके आ सकते, तो एक ऑलराउंड चाहिए हमको। तो इसलिए मैं मिचेल स्टार के साथ, मिचेल मार्श के साथ जाऊँगा। और लास्ट में यहाँ पर टीम लीडर के साथ जाऊँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के। तो टीम डेड भी इनका भी रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, पिछले मैच 5 रन बना था, उससे पहले 40 रन, उससे पहले एक बार अब उससे पहले 42 रन बना के आ रहा था। तो ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है, हार्ड हिटर बैट्समैन है, अच्छा खासा रन बना के जा सकता है, तो इसलिए मैं इनको पिक कर रहा हूँ। तो आपकी मर्जी, यहाँ पे केन विलियमसन को छोड़कर यहाँ पे मार्टिन गप्टिल या ग्रेन प्रेस इनको ले सकते हो, यहाँ पे मिचेल, यहाँ पे टीम डेड को छोड़कर फिंच या डेविड वॉर्नर को ले सकते हो। पर मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ टॉप ऑर्डर को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के। विकेट के बेगम मैं यहाँ पे पिवन कॉनवे के साथ जा रहा हूँ। कॉनवे बहुत बड़े बैट्समैन है, पिछले मैच में खेला नहीं था, पर उससे पहले 14 रन, उससे पहले 64 रन, उससे पहले 49 रन, और उससे पहले अच्छे पारी खेल गए थे। तो हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रहा बंदा, तो इसकी वजह से मैं इनको पिक करना चाहूँगा। आपकी मर्जी, आप उनको छोड़कर यहाँ पे फिन एलन, मैथ्यू वेट, 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई और ले सकते हो। यहाँ पे ऑल आउट पर मैं 2 रिस्क ले रहा हूँ, जिमी निशम, मार्कस टोनी को छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बड़ा रिस्क ले रहा हूँ ग्रेन प्लिस को ले रहा हूँ, सॉरी ग्लेन मैक्सवेल को। ग्लेन मैक्सवेल पिछले मैच इंडिया के खिलाफ 23 रन हुआ था, प्लस 1 विकेट ले गया था, उससे पहले 8 रन, उससे पहले सब मैच फ्लॉप रहा था, पिछले मैच यहाँ चौपा मुझसे गया था। तो ये बंदा मुझे लग रहा है कुछ करके जा सकता है इस मैच में, तो इसलिए मैं इनको आज पिक कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप उनको लेना चाहते ले सकते हो, या छोड़ना चाहते हो कि उनको छोड़ के आप किसी और के ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लूँगा माइकल ब्रैसवेल को। ब्रैसवेल लास्ट 2-3 मैच अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है, पिछले मैच 11 रन, उससे पहले 1 रन बनाया था, प्लस 2 विकेट ले गया था, और उससे पहले फिर से 2 विकेट, और फिर से 2 विकेट। तो हर मैच विकेट लेके आ रहा बंदा ही, तो मुझे लग रहा है इस मैच में 2-3 विकेट आराम से लेके जा सकता है, इसकी वजह से मैं इनको आज पिक कर रहा हूँ। और लास्ट यहाँ पर मैं ऑलराउंडर लूँगा मिचेल शैटनर को। मिचेल शैटनर को तो मैं मिस नहीं करूँगा, क्योंकि प्लेयर ही भाई बहुत बड़ा है, पिछले मैच फ्लॉप हुआ था, पर उससे पहले 2 विकेट ले गया था, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडिया में 30 रन 1 विकेट ले गया था, और उससे पहले 16 रन 1 विकेट। तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैप्टन हुआ था ओडिया में, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी होगा आमने सामने खेलने के लिए, तो इसके वजह से मैं इनको पिक कर रहा हूँ। आप ग्रैंडली भी उनको कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, आपको आसानी से आप ये अमाउंट विन करके दे सकता है। तो ये मेरी छोटी सी प्रेडिक्शन है। तो बॉलिंग में यहाँ पे 4 बॉलर ले रहा हूँ, पहले मैं जॉस हेजलवुड को ले रहा हूँ। जॉस एक बहुत बड़ा बॉलर है, इनका रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, 9 डॉट बॉल गए थे, पर विकेट नहीं ले गए थे पिछले 2 मैच में, पर उससे पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 विकेट ले गए थे। तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है, जब तौर बॉलिंग करने आते तो वहाँ पर थोड़ा एडवांटेज रहेगा विकेट लेने के लिए, तो इसके वजह से मैं इनको पिक कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप इनको यहाँ पर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, पर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लूँगा मिचेल स्टार्क को। स्टार का रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैं उसे 1 विकेट ले गया था इंडिया के खिलाफ वार्म अप में, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ 1 विकेट, और उससे पहले 4 विकेट ले गया था। तो ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है, ये भी हर मैच विकेट ले गया था, तो इसकी वजह से मैं इनको पिक कर रहा हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं पिक करूँगा ट्रेंट बॉल को। तो ट्रेंट बॉल भी एक बहुत बड़े बॉलर है, ये भी हर मैच विकेट लेके आ सकता है, पिछले मैच वार्म अप में खेले थे पर उससे पहले विकेट नहीं लेते, पर उससे पहले भी विकेट नहीं लेते, पर एक मैच 2 विकेट, और उससे पहले 2 विकेट ले गया था। तो बॉलिंग करता है तो 1 ना 2 विकेट ले गया जाता है आराम से, और कभी कभार फ्लॉप भी हो जाते हैं, तो देख के आप पिक कर सकते हो। आप रिस्क ले जाते हो उनको छोड़ कर किसी और के साथ जा सकते हो। और यहाँ पर मैं टीम सऊदी के साथ जा रहा हूँ। टीम सऊदी पिछले मैच में विकेट लिया था 1 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ, उससे पहले 2 विकेट बांग्लादेश के खिलाफ, और उससे पहले 2 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है, ये भी हर मैच अच्छा परफॉर्मेंस कर गया था। टीम सऊदी बैटिंग भी अच्छा कर लेता है, बैटिंग भी लिया तो, और बॉलिंग तो हर मैच में विकेट लेके आता है। आप यहाँ पर स्मॉल आउट, थोड़ा स्मॉल के लिए रिस्क नहीं ले सकते हो। यहाँ पर टीम सऊदी को छोड़कर यहाँ पर लॉकी फर्गुसन को ले सकते हो, एक थोड़ा रिस्क कम हो सकता है। और यहाँ पर ग्लेन प्लिस को छोड़कर मार्कस टोनिस, और यहाँ पर माइकल ब्रैसवेल को छोड़कर जेम्स निशम को ले सकते हो।
पर मैं यही सीएम टीम के साथ जाऊंगा। तो वही मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन बात करें तो यहाँ पर मेरा कैप्टन रहेगा, मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ इस मैच में, माइकल ब्रैसल को मैं कैप्टन बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन मैं यहाँ पे मिशेल मार्श को बना रहा हूँ। तो वही इसमें थोड़ा रिस्की स्मॉल लीग होगा और रिस्की ग्रैंड लीग के लिए यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट टीम से होती है, बहुत बड़ा कैप्टन होगा, कैप्टन से बैठे वाइस कैप्टन और जॉस रूल मिसेज टाक ये भी मस्ट पिक रहेगा और ग्लेन मैक्सवेल टीम लीड ये भी हो सकता है, पर अभी के लिए स्मॉल लीग जाना इसलिए मैं कैप्टन ब्रैसवेल वाइस कैप्टन मैं मिशेल मार्श के साथ जाऊँ। तो वह एक मेरी स्मॉल लीग की टीम का और यहाँ पे फ्री एंट्री ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।